हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 किसका, आईपीसी 1860 का। आईपीसी 1860 का लिख देते हैं, यहाँ पे दिखता नहीं इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन लिख रहा हूँ। तो चैप्टर 7 है, हम लोग चैप्टर 6 तक पढ़ चुके थे, राज के विरुद्ध अपराध था जो कि 121 से 130 तक का था। अब ये सेना के विरुद्ध अपराध है जो कि सेक्शन 131 से लेके 140 तक का है, ठीक है। वैसे ये कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 सेक्शन है आपको जानना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सेक्शन 140 है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन बाकी क्योंकि सेना के विरुद्ध अपराध से रिलेटेड है तो ये फिर हम लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो 3 सेक्शन है, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। चलिए, सेक्शन 121 में विद्रोह का उत्प्रेरण सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी या सैनिक को भड़काना, ठीक है। मतलब सेना, नौसेना, वायुसेना के अधिकारी को भड़काना, उकसाना या दुष्प्रेरण करना, किसके लिए, विद्रोह के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सेक्शन 131 आपका एप्लीकेबल होता है और आपको उसके अकॉर्डिंग जो दंड मिलता है वो क्या होता है, या तो आजीवन कारावास और 10 या फिर 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, ठीक है, ये आपको दंड मिलता है। अब देखिए, ये सेक्शन 131 है जो थोड़ा थोड़ा सेक्शन 121 जैसा ही है, ठीक है, आपको लग रहा होगा ना, क्योंकि वहां पे भी आपको क्या था, उकसा रहे थे विद्रोह के लिए, ठीक है, उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। यहाँ पे सेना के हिसाब से बताया गया कि सेना के किसी अधिकारी को या फिर सैनिक को उकसाना या फिर विद्रोह करने के लिए भड़काना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये सेक्शन 131 है, सेक्शन 131 से रिलेटेड है थोड़ा सा 132। आपने भड़काया और विद्रोह हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि देखिए 131 में आपका क्या दंड था, आजीवन कारावास और 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना। लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए, रुको जरा, सबर करो। कारावास था और 10 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माना, ये केवल भड़काने पे है। अगर भड़काने पे विद्रोह हो जाता है तो आपको क्या दंड मिलेगा, मृत्यु। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये दंड आपका मृत्यु दंड हो गया। एक और सेक्शन है 133, जिसमें किसके लिए अपराध है, अपराध है सेना, वायुसेना, नौसेना के किसी सैनिक को भड़काना, किस पे, हमले के लिए वरिष्ठ अधिकारी से। अगर कोई कोई बंदा किसी सैनिक या को भड़का रहा है अपने से अपर लेवल के अधिकारी पे हमला करने के लिए या फिर उसको क्षति पहुंचाने के लिए, सिंपली ऐसा करने के लिए अगर भड़काता है तो उस केस में दंड क्या होता है, 3 वर्ष का कारावास होता है प्लस जुर्माना होता है, ठीक है। यहां से हमारा सेक्शन 133 तो फिनिश होता है। 131, 132, 133 ये हमारे मेन सेक्शन है जो शुरू के हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, बस आपको पता होने चाहिए। लेकिन 140 सेक्शन के बारे में आपको न्यूज मिलती रहती है, बहुत सारे लोग ऐसा काम करते रहते हैं। आजकल आपने बहुत बार देखा होगा फेसबुक पे कि ओएलएक्स पे फ्रॉड होता है, अरे मैं आर्मी में हूँ, मैं ऐसा फॉलो ना करूंगा, ऐसे कॉल आता है आपके पास ओएलएक्स पे कि हम बेचना चाहते हैं, आप हमें गूगल पे करिए, ये करिए, वो करिए। मुझे भी बहुत बार कॉल आया, ठीक है। तो ये उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। सेक्शन 140 के अकॉर्डिंग सेना, वायुसेना या नौसेना का कोई भी इंसान वर्दी या टोकन धारण करता है, वर्दी या टोकन मतलब टोकन मेडल वगैरह होते हैं, और उनकी वर्दी धारण करता है जबकि वो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो सेना, वायुसेना या नौसेना में है, तो उस केस में उसको दंड क्या मिलता है, 3 माह का कारावास, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन इंपॉर्टेंट थे, कि आई होप कि आपको समझ में आओगे चैप्टर 7 सेना के विरुद्ध अपराध के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे इसका, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक फॉर वॉचिंग।